श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग का कार्यक्रम शुरू हो गया है। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण भी मिलेगा। सीएम हेमंत के हाथों नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। मुझे नहीं पता था कि जैसे मुझे आज इसी सभागार में आना है और कल ही इस सभागार में लगभग 500 से अधिक बच्चों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया। कोई शिक्षक बने, कोई इंजीनियर बने, कोई टेक्नीशियन बने, अलग अलग ट्रेड में नौजवानों को नौकरियां मिली और आज फिर से इसी सभागार में लगभग उतने ही 450 के लगभग नौजवानों को अपने जिंदगी के नए सफर में जाने के लिए उनके लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बन्ना गुप्ता जी भी हैं, श्रम विभाग के सभी पदाधिकारीगण भी हैं और इन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। बहुत विशेष समय नहीं लूंगा, आज बहुत खुशी का दिन है आप लोगों के लिए, आपके परिवारजनों के लिए। कहीं मैं आपके किसी के गोदी में, शायद आपके बच्चे परिवारजन भी यहाँ आए हैं, उनको भी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। आज आप सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पॉलिटेक्निक केंद्रों में अपने को तराश कर अपने लिए एक दिशा आप लोगों ने बनाई और सरकार के नीतियों के अनुसार आपको राज्य के विभिन्न और देश के अन्य कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा, बल्कि अभी आप सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पॉलिटेक्निक केंद्रों में अपना प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे। आईटीआई का कहा जाए कि अब आप बड़े स्केल में के क्षेत्र में जाएंगे जहां आपको और भी ज्यादा निखरने का मौका मिलेगा। जैसे आमतौर पर बैचलर्स डिग्री करने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद बच्चों को एमबीए भी करना पड़ता है, मैनेजमेंट कोर्स भी करना पड़ता है तो और अच्छी कंपनियों में जाने का मौका मिलता है। एमबीबीएस करने के बाद हाउस सर्जनशिप, एमडी और सारे बहुत सारे कोर्सेस करने पड़ते हैं, तब उनको और ज्यादा और ऊंचे जगहों पर जाने का मौका मिलता है। और आज आप आईटीआई के इस क्षेत्र से निकल करके ये आपका पहला पड़ाव है जहां जो मुझे बताया गया है, जैसे टाटा ग्रुप हो, जिंदल ग्रुप हो, बोकारो स्टील हो, एचएससी हो, मैकॉन हो, एनटीपीसी हो, बीसीसीएल हो, इत्यादि जैसे कंपनियों में
निजी और सरकारी क्षेत्रों में भी जाने का मौका मिलेगा। वर्तमान समय में अब तकनीक की दुनिया है, इसमें कहीं ना कहीं अब हर एक व्यक्ति को दक्षता होना अति आवश्यक, हुनरमंद होना अति आवश्यक। क्योंकि अब वैसे घड़ी के हिसाब से 12 घंटा 11 घंटा नहीं हुआ है, लेकिन अब वक्त की गति बढ़ गई है, क्योंकि लोगों की रफ्तार भी बढ़ी हुई है, कम समय में बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है। अब समय खोजने से नहीं मिलता, एक समय था कि समय बिताने के लिए दोस्तों को खोजा जाता था, लेकिन आज समय का घोर अभाव है और अब आप लोग एक ऐसे वक्त में ऐसे समय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां आप अपने सूझबूझ और अपने हुनर के बदौलत आपकी रफ्तार बढ़ेगी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कितना रफ्तार दे सकते हैं। आज राज्य आईटीआई में शिक्षारत छात्रों को, जो आज लगभग 444 बच्चों को यहां पर नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, राज बनने के बाद मुझे लगता है ये अगर हम सही नहीं है तो पहला या दूसरा बार ही आईटीआई के छात्रों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है और ये बहुत बड़ी कहा जाए कि नौजवानों के लिए और सरकार के लिए भी रोजगार के रास्ते पे नौजवानों को दिशा देने का एक अथक प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है और मुझे लगता है कि मैं आप सभी सभागार के नौजवानों से जानना चाहता हूं, आप लोग इस नियुक्ति पत्र से खुश हैं कि नहीं? जो बिल्कुल खुश है। मैं यही जानना चाहता था और हमारी हमेशा ये कोशिश रही है, हम नहीं कह सकते कि 100% आज हम हर काम को पूरा कर पाए हैं। आपको पता है कि हमने सरकार बनाई 2 साल से अधिक तक, हम लोगों ने कोरोना के साथ उठापटक किया और वो दिन कैसा था वो आप सबको पता है। और आप लोगों ने अभी अभी संस्था में अपनी शिक्षा ग्रहण की है और आपको पता है कि साल में कितने दिनों तक कार्यालय चलते हैं और इतने कम समय में निरंतर, चाहे वो जेपीएससी के माध्यम से हो, चाहे जेसीसी के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग विभागों के नियुक्तियों में नियुक्ति पत्र वितरण हो या एग्जाम कंडक्ट करने की प्रक्रिया चल रही हो या फिर कई एग्जामों का तिथि घोषित हो चुका हो, ये सारी प्रक्रियाएं तेजी से चल रही हैं।
और ये